हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आपको आई बटन में भी लिंक देखने को मिलता होगा। अगर आप लोगों ने इसका ऑलरेडी पार्ट वन देखा हुआ है तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मधु सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो गाइस, जैसे कि देखो यार, पुरानी वीडियो थी वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी होता है क्या, तो हमने बता दिया था कि बहुत बड़े स्केल पे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाए माइक्रोब्स या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, तो बायोटेक्नोलॉजी आएगा। उसका क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च की हमने बात की थी कि हमें बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए, ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए और हमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। ये तीन क्रिटिकल एरिया थे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर में कैसे कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ हमने पढ़ा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए को हमने मैनिपुलेट कर दिया या ऑल्टर कर दिया है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं क्रॉप्स में तो उनका यूज़ क्या क्या होगा। तो वहाँ हमने पढ़ा कि भाई जो है हमारे फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी और जो क्रॉप्स हैं वो और एबायोटिक्स के अगेंस्ट, मतलब क्या जो क्रॉप्स हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी एबायोटिक्स, मतलब कि हो गया कोल्ड, हीट, सॉल्ट वगैरह, उनके अगेंस्ट में उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशन वैल्यू एनरिच हो जाएगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाएगा, मिनरल यूसेज अच्छा हो जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर हैं जो कि है बीटी कॉटन। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए भी अच्छा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो उसको डिटेल में समझते हैं, कहानी भी समझते हैं और फिर हम कुछ टेक्निकल डिटेल्स पर भी आएंगे। तो सबसे पहले वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं बीटी। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजियंसिस। ये एक तरह का एक बैक्टीरिया है, ठीक है। कौन सा? बैसिलस थुरिंजियंसिस, इसी को शॉर्ट में हमने लिख दिया बीटी। अब बीटी कॉटन का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया वाली कॉटन? नहीं, मतलब हमने क्या किया है कि जो कॉटन है उसके अंदर बैसिलस थुरिंजियंसिस का एक जीन डाल दिया है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हमने क्या किया, उस कॉटन के डीएनए में बैसिलस थुरिंजियंसिस का भी एक ऐसा डीएनए डाल दिया, या फिर कौन सा जीन डाल दिया हमने, उसके अंदर एक जीन होता था जिसको हम बोलते थे क्राइजीन, क्राइजीन। वो क्राइजीन क्या करता था, एक क्राई प्रोटीन बनाता था, ठीक है। क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बन गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बायोलॉजी वाले और ध्यान दो, जब भी कभी हम जीन को लिखते हैं तो हम हमेशा उसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल और इटैलिक्स में लिखते हैं। अब मैं इटैलिक्स तो यहाँ पे आपको लिख के दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर ध्यान रखते हैं कभी भी जीन का नाम लिखोगे तो हमेशा वो कैसा होगा, स्मॉल में होगा और थोड़ा सा इटैलिक्स में होगा। अगर आप स्मॉल और इटैलिक्स में नहीं लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट स्मॉल में लिखो और आगे वर्ड जीन मेंशन कर दो। जब भी कभी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमेशा कैपिटल में होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो क्राई कैपिटल लिखा है, यहाँ स्मॉल लिखा है ऐसे। तो जो क्राई जीन था बैसिलस थुरिंजियंसिस का, वो एक क्राई प्रोटीन बनाता था। क्राई प्रोटीन कैसा होता था, एक टॉक्सिन है, मतलब कि एक जहर वाला प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में बनता था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ठीक है। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बन गया। फिर क्या होता था, जो कुछ अगर ये क्या करेगा, ये इनएक्टिव प्रोटीन कभी एल्कलाइन पीएच के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। और जहाँ पे भी एल्कलाइन पीएच मोस्टली क्या होता है, गट में, जैसे कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनमें से कुछ हैं ये लोग, लेपिडोप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस का मतलब क्या हो गया, लेपिडो का मतलब हो गया एक तरह से स्केल्स, और टेरेंस का मतलब हो गया विंग्स, मतलब ऐसे पेस्टिसाइड या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पर हैं और स्केल्स भी हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो बटरफ्लाई की कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म, तो वो लेपिडोप्टेरेंस में आ जाएंगे। टोबैको बर्ड बॉम, ठीक है, ये टोबैको बर्ड बॉम हो गया, डी ठीक से बना देते हैं, टोबैको बर्ड बॉम हो गया, आर्मी वॉर्म हो गया। आर्मी वॉर्म आपने देखा होगा, बटरफ्लाई होती है जो कि देखोगे तो आर्मी के जैसे, मतलब उसके जो कैमोफ्लेज वाला कलर होता है उसके ऊपर, जैसे आर्मी वाले लोगों का होता है ऐसे। फिर ये क्या हो गया, ये कोलियोप्टेरेंस हो गया। कोलियोप्टेरेंस का मतलब क्या हो गया, कोलियो मतलब शीट, शीट है और फिर विंग्स भी हैं ऐसे, ये भी बटरफ्लाई के जैसे ही रहते हैं, उड़ने वाले कीड़े हैं बेसिकली। इसमें बीटल्स आ गए, फ्लाइस आ गए, मस्कीटो आ गए। ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो कॉटन होता है, कॉटन की जो बॉल होती है जिसके अंदर कॉटन बनती है, उसको क्या करते हैं, इन्फेक्ट, मतलब उसको, उससे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, उसमें ऐसे ये होल कर देंगे और जिससे क्या होता है कि जो कॉटन बन रही होती है वो बन नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगर क्या हो, कभी ये जो क्राई जीन वाला जो इनएक्टिव प्रोटीन है, अगर धोखे से ये जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, जितने भी ये पेस्ट हैं, सॉरी पेस्टिसाइड्स, मैं गलत वर्ड बोला हूँ, पेस्ट, ठीक है, पेस्टिसाइड्स होता है पेस्ट को मारने वाला, जितने भी ये पेस्ट हैं, ठीक है, तो ये पेस्ट क्या करते हैं, जब अगर इस पेस्ट के अंदर धोखे से ये क्राई प्रोटीन चला जाए, जब ये इनकी मिडगट में पहुँचेगा, मतलब कि इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, वहाँ पर मिलेगा उसको एल्कलाइन पीएच, और ये जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था वो एक्टिव टॉक्सिन बन जाएगा
और वहाँ पे क्या करेगा, ये पोर्ट्स क्रिएट कर देगा उनकी मिडगट एपिथेलियल सेल्स में, मतलब कि जो इंटेस्टाइन है उसमें छेद कर देगा और वो कीड़ा जो है या जो पेस्ट है वो मर जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो क्राइजीन था इतने काम का, वो हमने निकाला बैसिलस थुरिंजिएंसिस से और कॉटन के अंदर डाल दिया और हमारी बीटी कॉटन बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पे ये तो थियोरी हो गई, आपको बुक में इतना सारा दिया हुआ है, इसको आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये कॉटन है उसके अंदर बैक्टीरिया का क्राइजीन है जो कि इनएक्टिव क्या बनाता है, इनएक्टिव प्रोटोक्सिन बनाता है। जब भी कभी ये वाले पेस्टिसाइड्स आएंगे, लेपिडोप्टेरेंस, पोलियोप्टेरेंस या फिर कोई फ्लाई मस्कीटो, उस पर आके खाएंगे उसको, और क्या होगा, उनके अंदर ये प्रोटीन चला जाएगा, मिडगट में जाके एक्टिव हो जाएगा, एल्कलाइन पीएच की प्रेजेंस में उनकी मिडगट में के एपिथेलियल में पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो पेस्ट मर जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बायो पेस्टिसाइड का, ठीक है। तो ये कैसा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, गुड एग्जाम्पल ऑफ बायो पेस्टिसाइड, ठीक। तो कोई अगर आपसे पूछे कि गिव वन नेम ऑफ, या गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बायो पेस्टिसाइड, तो आप सिंपल से बीटी कॉटन उठा के लिखाना, आपका काम हो जाएगा, आप एक नंबर के क्वेश्चन डन। अब यहाँ पर आपको बताना क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है इससे। तो बीटी कॉटन के अगर केस में अगर हम बात करें, आप थोड़ी सी स्टडी करोगे तो पता चलता है कि पहले कॉटन में लोग जो भी खेती करते थे तो वहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान होता था। जब से ये बीटी कॉटन वाले सीड्स आए हैं, हुआ क्या है कि यील्ड जो है ऑलमोस्ट 30% तक बढ़ गई है। मतलब आप समझ सकते हो कि पहले कोई किसान अगर 1 लाख रुपए की कॉटन उगा रहा था तो वो 1,30,000 तक की हो गई है। तो क्लियरली एक यील्ड बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि आप सोचो कि पहले जो आपका 1 लाख का प्रोडक्ट बिक रहा था, अब वो 1,30,000 का बिक रहा है, तो वो भी जो एक्स्ट्रा पैसे वो भी आपके पास आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके उसके अंदर एक जो है ये क्राइजीन पड़ा हुआ है जो कि इन सारे पैस को मार दे रहा है और ये और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं कॉटन की फसल को। तो आप सोचोगे ये तो भाई बहुत बढ़िया बात होगी। फिर लोगों ने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। उन्होंने क्या किया, बीटी को उठा के ब्रिंजल में लगा दिया, बीटी ब्रिंजल, बीटी को उठा के राइस में लगा दिया, बीटी राइस, बीटी को उठा के टोमेटो में लगा दिया, बीटी को उठा के पोटैटो में लगा दिया, मार तमाम उन्होंने बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, बीटी राइस सब बना लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, देखो यहाँ पर रियल प्रॉब्लम आई कि कॉटन जो है ना वो अपने खाने की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है कि क्राइजीन कॉटन के उसके अंदर रहेगा तो पड़ा रहना, तो हम कौन से कॉटन को खाने वाले हैं, बट ब्रिंजल को हम खाने वाले है ना, हम टोमेटो को खाने वाले, हम पोटैटो को खाने वाले, हम राइस को खाने वाले। तो हुआ क्या कि ये फसलें क्या हुआ, जो भी साइंटिस्ट थे या फिर जो जैसे भी कंपनी वाले लोग थे जिन्होंने ये बनाई, उन्होंने फील्ड पे ज़्यादा अच्छे से टेस्ट नहीं की और सीधा मार्केट में रिलीज़ कर दी। बीटी ब्रिंजल आया, उसकी वजह से यील्ड 50% तक बढ़ गई। अब आप सोचो कि जो किसान 1 लाख रुपये के पहले बैगन उगा रहा था, अब वो 1.5 लाख रुपये के बैगन उगा पा रहा है, जस्ट मतलब कितनी उसकी आधी आमदनी हो गई, बढ़ गई मतलब। लेकिन बाद में पता क्या चला, क्योंकि अब ब्रिंजल को तो आपको खाना है, उसके अंदर फिर से ये क्राइजीन है और फिर वो मतलब क्राई प्रोटीन है उसके अंदर ऑलरेडी, और वो आपके अंदर जाएगा, आपके इंटेस्टाइन का पीएच भी अल्कलाइन है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है वो। तो बाद में क्या हुआ, इन बीटी ब्रिंजल पर ऑलरेडी इंडिया में बैन लग चुका है, क्योंकि कंपनी वाले बोल रहे थे सेफ है, सेफ है, इतना कुछ नहीं होगा हमें। बट बाद में आगे जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ी तो पता चला कि उन कंपनी वालों ने प्रॉपर ट्रायल्स नहीं किए थे और इस वजह से बीटी ब्रिंजल इंडिया में बैन है। सिर्फ बीटी कॉटन चल रहा है वो ठीक है, बट बीटी उसके अलावा जितनी खाने वाली चीज़ें उनमें ये अभी भी नहीं आया है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करनी ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं कि एक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने कुछ अचीव कर लिया तो वो हर किसी में हम ऐसे नहीं पेल सकते। हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कॉटन को हम खाते नहीं है तो चलेगा, बट ब्रिंजल है हम उसको खाते हैं तो वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। कंपनी वालों का कहना था कि उतने अमाउंट में नहीं है कि जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा पाए, बट इन किसको पता है यार अब एक लॉन्ग टाइम में क्या क्या नुकसान हो सकता है उस चीज़ का। तो बीटी ब्रिंजल ऑलरेडी बैंड है मार्केट से, बीटी टोमेटो पोटैटो का भी आई थिंक ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है उन पर भी कुछ इशूज़ चल रहे हैं। फिलहाल बीटी कॉटन ही चल रहा है, ठीक है। इस आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बीटी कॉटन की, कि बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस है द जीन नोन एज क्राई जीन विच मेक क्राई प्रोटीन which is nothing but an inactive protoxin when it comes in contact with the alkaline pH of midgut of any of these pests, it becomes active, creates pore in the midgut epithelium of the parasite and the insect and the parasite dies. It kills the parasite simply. तो ये हमारा बहुत अच्छा example है biopesticide का, ये बात थी BT cotton की। तो I hope आप लोगों को ये BT cotton बढ़िया से समझ में आया होगा। अब एक और अच्छा example लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस की टोबैको प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम आते हैं आरएनए इंटरफेरेंस पे।
लिख देते हैं RNAi, जब हम इसको क्या बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन करेंगे। लिखते हैं दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक RNA using specific mRNA लिख लेते हैं, specific mRNA using a double stranded DS लिख दिया मैंने, double stranded RNA molecule binding to the target mRNA and preventing its translation और जो क्या है RNAi is a common cellular defense system in all eukaryotic cells। तो पहले RNAi को समझो, बाकी की कहानी बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो RNAi का देखो जैसे डेफिनेशन बताता हूँ, डेफिनेशन इतनी समझ में नहीं आएगी, फिर एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ में आएगा। दिस मैटर इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA यूजिंग अ डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ टारगेट mRNA एंड प्रिवेंटिंग इट्स ट्रांसलेशन। मतलब क्या है कि तू वो जो RNAi है, या फिर हम उसको बोले RNA इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को हमने आई बोल दिया, ठीक है, इंटरफेरेंस RNA इंटरफेरेंस RNAi हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि हमने क्या किया है, जैसे आपको पता है कि आप सेंट्रल डॉग्मा को अच्छे से जानते हो कि भाई क्या होता है, DNA से बनता है RNA, RNA से बनता है प्रोटीन, और अल्टीमेट फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे बॉडी में, वो है प्रोटीन्स जो कि सारा काम कर रहे हैं। अब अगर आप किसी प्रोटीन को बनने नहीं दोगे तो वो वहाँ पे क्या होगा, एक एडवर्स इफेक्ट होगा, ठीक है। मान लो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक, यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनके और वाटर बनके रह जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। एंजाइम्स या प्रोटीन, अगर उनमें से एक भी एंजाइम ना बने तो आपका क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी और आपको जो एनर्जी मिल रही थी फूड से या फिर हम बोले ग्लूकोज से, वो मिलनी बंद हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वापस आते हैं RNAi पे, तो हमें पता है DNA से बनता है RNA, RNA से बनता है प्रोटीन, सेंट्रल डॉग्मा है। अब हमें नहीं क्या किया, हमें पर्टिकुलर मान लो एक प्रोटीन हम बनने नहीं देना चाहते, तो हम क्या करते हैं, एक काम तो ये कि हम उस DNA को ही हटाते हैं वहाँ से जीनोम से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, ठीक है, जो क्या है, जो वो पर्टिकुलर इंसेक्ट क्या है, तो पेस्ट के जैसा है, ठीक, पैरासाइट है, हमारी फसल को ख़राब कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, उन सारे इंसेक्ट्स को पकड़ पकड़ के उनका DNA तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक दूसरी मेथड यूज़ किया, हमने क्या किया कि जब वो पेस्ट आए हमारी फसल पे उसको खाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, तब उनके अंदर क्या हो, एक ऐसा डबल स्ट्रैंडेड RNA चला जाए जो कि उन पेस्ट के एक एसेंशियल जीन को, जीन से प्रोटीन ना बनने दे और वो पेस्ट अपने आप मर जाए। फिर से समझो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कहाँ कहाँ से क्या हुआ, फिर से समझते हैं। एक देखो अपने पास क्या है, एक टबैको प्लांट है, मतलब तंबाकू का एक प्लांट है जो कि कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, भले ही नशे वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियली। तो टबैको प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, निमेटोड्स मतलब जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर है मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया जो है वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स की रूट को। अब क्या हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे खेती को, ये जो भी टोबैको की प्लांटेशन को। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि उस नेमेटोड के कुछ इसेंशियल जीन्स का क्या किया, RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA अपने टोबैको प्लांट के अंदर पहुँचा दिया एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से। एक काम करते थोड़ा थोड़ा लिख देते ताकि, चलो वहाँ तक आते हैं, पहले इसको मैं से रफ ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, फिर हम टोबैको प्लांट पाएंगे। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर mRNA है, ये मुझे क्या करना है, मुझे इस mRNA को डिस्ट्रॉय करना है, मैं नहीं चाहता ये mRNA प्रोटीन बनाए,
मैंने क्या किया, यहाँ पे इसी mRNA का एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोला, इसी mRNA का मैंने क्या किया, एक mRNA मॉलिक्यूल और इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री mRNA मॉलिक्यूल ऐड कर दिया सेल्स में। आपको पता है कि mRNA था उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA ऐड कर दिया तो वो डबल स्टैंडर्ड RNA बना लेगा, ठीक। तो ये मान लो डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया सेम इसी वाले mRNA का। अब कभी कभी डबल स्टैंडर्ड mRNA बनता है तो क्या होता है, बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है डाइसर, एक होता है ड्रोसा, ठीक है, ड्रोशा या ड्रोसा जो भी इसकी स्पेलिंग है। डाइसर और ड्रोशा ये क्या करते हैं, इस डबल स्टैंडर्ड RNA को क्लीव कर देते हैं और इससे ये लोग क्या बनाते हैं, इससे ये लोग इससे ये बना लेते हैं माइक्रो RNA, ठीक है, shRNA मतलब शॉर्ट हेयर पिन RNA, ये इसको क्लीव करके बनाते हैं। और तो फिर ये किस कुछ इस तरह का रह जाता है, मतलब कुछ ऐसे रह गया, ठीक है, या फिर हेयर पिन है तो हेयर पिन कैसा होता है, हेयर पिन कुछ इस तरह से ऐसे आ गया, तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह खाली बच गई। आप देखो यहाँ पे जगह खाली बच गई, यहाँ पे जगह खाली बच गई, और यहाँ पे कुछ और एंजाइम्स लगे हुए होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं RISC, RISC, RNA induced silencing complex, अगेन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये जो इनकी जगह बची ये क्या करेंगे अपने, क्योंकि अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना इसके, तो ये जाएगा इस mRNA से कहीं तो इधर उधर करके ऐसे करके बाइंड करेगा और फिर ये पूरा mRNA डिग्रेड कर देंगे फिर से ये एंजाइम्स आके। तो ये है हमारा RNA इंटरफेरेंस, जो कि क्लास 12 में मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि पता नहीं, मुझे लगता था कि क्या होता था कि mRNA होता है, हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री डाल देते हैं और वो डबल स्टैंडर्ड बना लेता है, ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, मैं ऐसे समझता था उसको, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर आप ऐसा करोगे तो आप कितने mRNA को रोक लोगे, सेल्स में तो RNA बनता रहता है बनता रहता है बनता रहता है, तो आप कितने ऐसे उसके कॉम्प्लीमेंट्री RNA डालोगे। यहाँ पर हमने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड RNA डाल दिया, डबल स्टैंडर्ड RNA को डाइसर और ड्रोसर ने काटा, RISC कॉम्प्लेक्स बनाया, मतलब RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करेगा, जहाँ भी उसको वो mRNA मिलेगा टारगेट, वहाँ जाके बाइंड करेगा, उसको क्लिक करवा देगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है किसी भी mRNA को ट्रांसलेट ना होने देने के लिए, और यही हमने अपनाया है टोबैको प्लांट के साथ में। तो मैं इसको हटाता हूँ, या फिर एक दो ही नाम है। तो टोबैको प्लांट का जो मेन नेमेटोड था जिससे हम लोग परेशान थे, नेमेटोड मतलब राउंड वर्म था, इसका नाम क्या था, लाइडोगाइन इनकॉग्निटिया, इनकॉग्निशिया, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ये क्या करता था, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता था टोबैको प्लांट्स की रूट को। हमने क्या किया, टोबैको प्लांट्स को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, मतलब आपको पता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या, एक तरह का बैक्टीरिया है जिसके पास TI प्लाज्मिड होता है, ये हमने पहले पढ़ा था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, इसका एक नेमेटोड स्पेसिफिक सेंस और एंटी सेंस दोनों RNA को टोबैको प्लांट में डाल दिया। जब हमने दोनों RNA को टोबैको प्लांट में डाल दिया, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की हेल्प से, अब क्या वो जब ये मेलाइडोगाइन कम्युनिटी आएगा रूट्स रूट्स में टोबैको प्लांट्स की, उसको खाने के लिए रूट्स को, और वहीं पर रहने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, कुछ कुछ जो डबल स्टैंडर्ड RNA है वो डायरेक्टली क्या होगा कि इसके अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये मत समझना कि RNA को खा लेगा तो वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ इस तरह से वहाँ पे पोर्शन बचेगा कि जो डायरेक्टली इस नेमेटोड के सेल्स के अंदर जा पाएगा डबल स्टैंडर्ड RNA वो। और जैसे ही डबल स्टैंडर्ड RNA सेल्स के अंदर गया, ये RNAi का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और उसका जो एसेंशियल जीन है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा प्रोटीन में और ये नेमेटोड मर जाएगा। तो ये बहुत ही नोवल स्ट्रेटजी है जहाँ पे हमें ना कोई स्प्रे करना पड़ रहा है, ना कोई पेस्टिसाइड की गोलियाँ या दवाइयाँ या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पेस्ट आ रहा है, होस्ट को खा रहा है और मर जा रहा है। तो ये बहुत ही नोबल मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से हम टोबैको प्लांट्स की रूट्स को बचा सकते हैं। NCERT में फिगर है, आप रूट्स को देख के समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का। तो यही है हमारा RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आप बुक से पढ़ोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हमने एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की हेल्प से सेंस एंड एंटी सेंस दोनों RNA को उसके अंदर पहुंचा दिया। टोबैको प्लांट के अंदर जब आया पेस्ट उसके पास में, तो क्या होगा कि डबल स्टैंडर्ड RNA उसके अंदर पहुंच जाएगा और वहां पे जाके क्या करेगा, उस पर्टिकुलर नेमेटोड स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर देगा। और इसकी और अच्छी बात क्या है कि इसका और किसी चीज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे BT कॉटन के केस में क्या हो रहा था, आपने जो BT जीन मतलब जो क्राई जीन डाला था कॉटन के अंदर, वो जो भी उसको खाने वाला आ रहा था उसको नुकसान पहुंचा रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक RNA को रोक रहे हो
और वो भी आरएनए किसका है, सिर्फ इसका निमेटोड स्पेसिफिक आरएनए है जिसको आप ट्रांसलेट नहीं होने दे रहे हो, और किसी आरएनए पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप इस टबेको प्लांट को अगर मान लो कोई कुत्ता आकर खाए, मतलब कुत्ता बहुत बड़ी चीज हो गई, कोई और पेस्ट आकर खाए तो वो नहीं मरेगा, सिर्फ मरेगा कौन, मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया मरेगा, मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया जस्ट बिकॉज ऑफ आरएनएआई। तो ये बहुत ही जबरदस्त नोबल मैकेनिज्म है एक किसी भी प्लांट के पेस्ट को मारने के लिए, और बाकी इससे क्या होगा, बाकी सारी चीजें अनएफेक्टेड रहेंगी, ना ये टॉक्सिक रहेगा और किसी भी चीज पे इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त हो गया अगर हम बीटी कॉटन से कंपेयर करें इसको, तो ठीक है बीटी ब्रिंजल से कंपेयर करें कि जो ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचा सकता था, बट ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो उसको इरेज करते हैं। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, बुक से जरूर पढ़ना, एकदम सब क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं। तो अपना देखो आरएनएआई कंप्लीट हो गया, जरा ये आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मेडिसिन, थोड़ा बहुत इंसुलिन की बात कर लेते हैं, फिर आगे के वीडियो में करेंगे बाकी का। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो अब देखो हमें ये पता है कि अभी हमने एग्रीकल्चर की फील्ड में बात की थी, अब मेडिसिन की फील्ड में बात कर ले रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए जाते हैं। आई थिंक 30 ऐसे अप्रूव हो चुके हैं और इंडिया में करीब 12 या फिर 15 ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। तो ये डिटेल ऐसी है जो आपसे कोई नहीं पूछेगा और ये टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी, क्योंकि 10 साल पुरानी डिटेल अभी हो सकता है और ज़्यादा चेंज हो गई हो, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आते हैं यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे। ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो देखो क्या है कि पहले समझो कि अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ है, जो कि आज बहुत कॉमन बीमारी है, आप सबको पता है शुगर वाली डायबिटीज़ टाइप 2 बहुत ज़्यादा कॉमन है, टाइप 1 भी है। तो टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है, ग्लूकोज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज इंसुलिन लेवल सफिशियंट नहीं होता है बॉडी में। तो पेशेंट्स को बोला जाता है कि भाई आप शुगर्स को कट करो, ज़्यादा शुगर मत खाओ, क्योंकि आपकी बॉडी उतने शुगर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर एंजाइम बिल्कुल ही नीचे चला गया, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना पड़ता है, हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब इंसुलिन के इंजेक्शंस में क्या होगा कि आप इंसुलिन आएगा कहाँ से, तो भाई किसी ह्यूमन से लोगे तो उसको मार के लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन कौन बनाता है, पैनक्रियाज में हमारे पास में ना जो डेल्टा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में जो बीटा सेल्स होती है वो बनाती है इंसुलिन। अब इंसुलिन किसी इंसान को तो मार नहीं सकते, तो आपने सोचा कि हम अपने मोस्ट कॉमन रिलेटिव्स मतलब कि एनिमल से ले लेते हैं। अब एनिमल्स से आप ले सकते हो, एनिमल्स को मार के वहाँ से इंसुलिन आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या होगी, जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, क्योंकि वो इंसुलिन किसी और ऑर्गेनिज्म से आ रही है, आपकी बॉडी उसको ऐसे ट्रीट करेगी कि यार ये बाहर की इंसुलिन है, फॉरेन इंसुलिन है, हम इसके साथ काम नहीं चला सकते। तो वो एक इशू आएगा आपके पास में निकल के। तो हो सकता है आपकी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन आ जाए वहाँ पे, या फिर जो आपने एनिमल्स से लिया है, कोई भी कैटल से या किसी से भी सॉर्टेड एनिमल से इंसुलिन लिया है, वो उतना इफेक्टिवली काम ना करे। तो आप ऐसे सोचो कि जो इंसुलिन होता है, अगर हम क्या उसका डीएनए एक बैक्टीरिया में डालते हैं और उस बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाए, तो अगर हमने डीएनए ह्यूमन इंसुलिन का जो डीएनए है वही बैक्टीरिया में डाला, तो उससे जो प्रोटीन बनेगा वो वही बनेगा जो कि ह्यूमंस में इंसुलिन होती है। तो ऐसी इंसुलिन कितनी सही हो जाएगी, है ना। तो वही काम किया एक कंपनी ने, एक अमेरिकन कंपनी थी ईली लिली, ईली लिली क्या 1983 में ह्यूमन इंसुलिन का जो डीएनए था, चेन ए और चेन बी का डीएनए, वो दे दिया बैक्टीरिया को, और बाद में उसको दोनों को डाइसल्फाइड बोन से आपस में कनेक्ट करके इंसुलिन बना दिया। देखो इंसुलिन कैसा होता है, इंसुलिन कुछ इस तरह का है, ठीक है, दो चेन है मान लो, उसमें ये चेन ए है, ओके, और ये चेन बी है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई भी ये चेन सी है। तो जो चेन ए और चेन बी है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड रहती है, ठीक है। तो इस तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, जब ये क्या होता है, ये इनएक्टिव इंसुलिन होती है, जब ये एक्टिव हो जाती है तो क्या होता है, ये सी पेप्टाइड हट जाता है यहाँ से, सी वाला, और ये आपकी इंसुलिन बनके तैयार हो जाती है ए और बी। तो उन्होंने क्या किया, इसी ए और बी का जो है डीएनए डाल दिया बैक्टीरिया में और वहां से इंसुलिन बना ली। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका हो गया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, आपने कितना एक यूजफुल प्रोडक्ट बना लिया जो कि मैनकाइंड के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बुक में दे रखा है क्या इंसुलिन को हम ओरली ले सकते हैं, मतलब ऐसे दवाई के कैप्सूल के जैसे खा सकते हैं, इंसुलिन की मोस्टली इंजेक्शन लगते हैं। तो थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, सोचो कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं।
ठीक है, चलो हो गया वीडियो पॉज, अब हम बात करते हैं। तो देखो हो गया क्या, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, आप कोई भी प्रोटीन को खाओगे तो क्या होगा, वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो स्टमक को लगेगा हाँ भाई प्रोटीन है, ब्रेक करो उसको, अमीनो एसिड को यूज़ कर लो। तो वो कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ अगर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो इंसुलिन का वो वाला फ़र्क होगा नहीं, वो इंसुलिन डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाएगी और अपने जो है अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो आप इंसुलिन को ओरली नहीं ले सकते, ये एक बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसे एफर्ट्स में लगी हुई है क्योंकि इंसुलिन हमेशा इंजेक्ट करनी पड़ती है। आप सोचो जिन पेशेंट्स को रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन लगना होता है कितना पेनफुल होता होगा यार, रोज़ की आप खुद को इंजेक्ट कर रहे हो। एक बार दो बार हमें ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी में नहीं, साल में अगर एक बार या फिर पाँच साल में एक बार इंजेक्शन लग गया तो हमें लगता है अरे नहीं नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाना। इंसुलिन वालों को सोचो रोज़ इंजेक्शन लगना है या हर हफ्ते में या जो भी उनका रहेगा, तो कितना अच्छा होगा कि अगर ओरली एडमिनिस्ट्रेशन वाली को इंसुलिन मिल जाए। तो बहुत सारी कंपनीज अभी ऐसे काम करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे कुछ कोटिंग में इंसुलिन देने की कोशिश कर रही हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक तक पहुँचे, तब तक वो डाइजेस्ट ना हो और सीधा फिर ब्लड में वहाँ से चली जाए। तो ऐसी कोशिश जारी है। बट बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आप आंसर बोलोगे कि नो यू कैन नॉट टेक इंसुलिन ओरली बिकॉज इट विल गो इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड योर बॉडी विल सिंपली और द एंजाइम्स इन द स्टमक विल सिंपली ब्रेक इट इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है गाइस, तो ये बात थी हमारे इंसुलिन की। अब आगे हम बात करेंगे जीन थेरेपी और आगे के टॉपिक्स की, तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक ही रुकते हैं। आगे की वीडियो में आई होप एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सब कुछ आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने का। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।